जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। बुधवार को विभाग द्वारा आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी एवं सेक्टर 4 के आशीष कुमार तिवारी के संयुक्त नेतृत्व में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध में थाना राजघाट के जंगल रसूलपुर में, थाना कैंट के अंतर्गत आरकेबीके के सामने एवं थाना चौरी चौरा एवं थाना झंगा के चक्रा अव्वल में सूचना पर दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान लगभग 105 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया तथा साथ ही लगभग 5000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया एवं 5 भट्टियां नष्ट की गई। दबिश की कार्रवाई से पहले ही आरोपी फरार हो गए थे। इस संबंध में 6 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी एवं सेक्टर 4 के आशीष कुमार तिवारी, आबकारी विभाग के आबकारी सिपाही शिवेंद्र तिवारी, ऋतु प्रकाश चौधरी, शरद वर्मा एवं पंकज चौधरी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया। हाँ, यहाँ भी लहन है, बस ठीक है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध प्रवर्तन कार्य किया गया है। उस जो है आज थाना राजघाट के अंतर्गत चक्रा अव्वल में, थाना कैंट के अंतर्गत आरकेबीके के सामने और थाना जंगहा के अंतर्गत जंगल रसूलपुर नंबर 2 में मैं आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश त्रिपाठी और आबकारी निरीक्षक चौरी चौरा आशीष तिवारी के साथ जो है दबिश की कार्रवाई की गई है। कुल 105 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया है। 6 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 5 भट्टियों को नष्ट किया गया है एवं लगभग 5000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है। किसी गिरफ्तारी ये कोई महिला और जो है कोई पुरुष मिला नहीं, वहाँ पर सब लोग फरार हो गए थे और जो है किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन आसपास जो लोग थे उनसे पूछ के उनके विरुद्ध जो है मुकदमा किया जा रहा है और आगे जो है उसकी जाँच की जाएगी।